नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं रानीवाड़ा रेलवे स्टेशन पर, जहाँ से आज हम करने वाले एक छोटी सी जर्नी, हम यहाँ से ट्रैवल करने वाले हैं हमारी लोकल डेमो में जालौर की तरफ। और इस जर्नी करने का सबसे बड़ा पर्पज़ ये है कि हम इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट लेने आए हैं कि रानीवाड़ा से मोदरान के बीच में कितना इलेक्ट्रिफिकेशन कम्प्लीट हो चुका है। तो उसी के लिए आज हम यहाँ रानीवाड़ा रेलवे स्टेशन पर आए हैं। और आपको बता दे कि यहाँ से रानीवाड़ा से भिलड़ी तक का काम पूरा हो चुका है। अब हम रानीवाड़ा से मोदरान तक के इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट को लेंगे और पता करेंगे कि यहाँ पर कितना काम हुआ है। तो चलिए जुड़िए मेरे साथ इस जर्नी में। तो दोस्तों, जर्नी शुरू होने से पहले थोड़ा रानीवाड़ा स्टेशन के बारे में आपको बता दें, ये दो प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और यहाँ पर अभी काफ़ी डेवलपमेंट वर्क चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि PF2 पर एक टिन शेड लग रहा है। ये टिन शेड पहले से ही था और वहाँ दो और टिन शेड लग रहे हैं, PF1 पर भी लग रहा है और PF2 पर भी लग रहा है, और ये एक और टिन शेड बन रहा है PF2 पर। तो PF2 पर टोटली तीन आपके टिन शेड बन रहे हैं और PF1 पर आपका ये पुराना वाला एक टिन शेड है और एक आगे की तरफ एक और टिन शेड बन रहा है। तो ये कुछ डेवलपमेंट वर्क हुआ है अभी फ़िलहाल रानीवाड़ा स्टेशन पर। हमारे सेक्शन में हम जर्नी करें और हमें 4G ना दिखे, ऐसा हो सकता है क्या? तो हमारी जर्नी की शुरुआत WBG 4G के साथ होती है। तो दोस्तों, आ गई हमारी लोकल स्पेशल डेमो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस बार ये डेड है और ये आई है WDG 4 के साथ प्रगति कोटी LHF में, तो इसको हॉल कर रहे हैं बहुत ही उचित तरह। और ये हमारी ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया है रानीवाड़ा से, तो शुरू करते हैं अब हम इस छोटी सी बट खूबसूरत सी जर्नी रानीवाड़ा से जालौर की तरफ। लेकिन बिहाइंड डीजल लोकोमोटिव, वो भी WDG प्रगति को देगा। देख सकते हो आप, बहुत ही शानदार डिपार्चर हो रहा है यार। स्पीड अप है, वो बहुत तगड़ा है, इसका एक्सेलरेशन बहुत तगड़ा है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं रानीवाड़ा के जस्ट बाद आने वाला एक स्टेशन जिसका नाम है मालवाड़ा। और अभी तक की जो हमारी जर्नी रही वो काफ़ी स्मूथ रही है ड्यू टू दिस डीजल बीस्ट लोकोमोटिव। एंड आप देख सकते हो कि ये स्टेशन पर लगभग पूरा काम हो चुका है इलेक्ट्रिफिकेशन का, और वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और अर्थिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन की अपडेट बोले तो डन, मतलब काम पूरा है यहाँ पर। तो अब हमारा डिपार्चर हो रहा है मालवाड़ा स्टेशन से, हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्टेशन की तरफ। वहाँ पर भी आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिफिकेशन का कितना काम हो रहा है। और जैसे ही हम मालवाड़ा से निकलते हैं तो यहाँ एक ब्रिज है जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, पोल्स अच्छे से लग चुके हैं और साथ में वायरिंग भी हो चुकी है। तो मालवाड़ा से निकलते ही ये जो काम है पोल्स का और वायरिंग का, तो ये पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मारवाड़ कोड़ी,
नेक्स्ट हॉल्ट की तरफ। और इसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। तो अब हम बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट हॉल्ट की तरफ, मारवाड़ भीनमाल। देखते हैं कि वहाँ पर कितना काम हुआ है। चले चलते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका है और अब हम लगभग 30 किलोमीटर के स्ट्रक्चर को कवर कर चुके हैं इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट के अंदर। तो अब नेक्स्ट हमारा हॉल्ट जो होगा वो होगा मारवाड़ भीनमाल। चलिए देखते हैं वहाँ पर क्या काम हुआ है। मारवाड़ कोड़ी से निकलते ही सांगी रिवर पर बना ये ब्रिज, इस पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है और वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों अब हमारी एंट्री हो रही है भीनमाल रेलवे स्टेशन पर इस खूबसूरत से कर्व के साथ। रेलवे स्टेशन से जस्ट पहले ये एक बहुत ही शानदार सा कर्व आता है और फिर हम सीधा एंटर करते हैं भीनमाल रेलवे स्टेशन में। देखिए शानदार से दृश्य। दोस्तों अब हम आ चुके हैं मारवाड़ भीनमाल रेलवे स्टेशन पर और इस स्टेशन पर भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। BF1 पे काफ़ी भीड़ है तो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। और वहाँ पर भी कोच इंडिकेशन लग चुके हैं। और इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट की बात करें तो मारवाड़ पोरी से लेकर हमारे भीनमाल तक का इलेक्ट्रिफिकेशन कम्प्लीट हो चुका है। सब कुछ जो होना चाहिए था वो कम्प्लीट हो चुका है, अब बस CRS होना बाकी है। देखते हैं आगे हमें और क्या अपडेट मिलती है। जुड़े रहिए हमारे साथ इस जर्नी में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक OHE इंस्पेक्शन कार है जो कि मेन लाइन से निकल रही है भीनमाल के। प्रोबेबली ये हमारे इंस्पेक्शन के लिए जा रही होगी कि भाई इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो गया है, अब हम थोड़ा इंस्पेक्शन कर ले, तो उस पर्पज से है। काम तो लगभग हो चुका है पूरा, बस अब छोटे मोटे इंस्पेक्शन हो रहे हैं ताकि फाइनल CRS हो सके। तो अब हमारा भीनमाल स्टेशन से डिपार्चर हो रहा है इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ। हम कुछ ट्रेन को गुड बाय करते हुए हमारी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही हम लेडरमल स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पर मेन लाइन पर कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो रहा था, वायरिंग हो रही थी कुछ और शायद टेस्टिंग भी चल रही थी। और उसी के लिए इसी लाइन पर एक OHE इंस्पेक्शन कार आई हुई थी जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और यही अपडेट थी लेटरमल स्टेशन की। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं भीमपुरा रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर भी हमने देखा है अभी तक जितनी जर्नी की है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। और अब फाइनल स्टेज हमारा रहा है मोजरान स्टेशन, वहाँ तक का हम देखकर आपको बताते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। अब हमारे इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट के आखिरी हॉल्ट मोदरान की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि सिर्फ अब यही बचा है जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट लेनी बाकी है।
दोस्तों अब हम आ चुके हैं मोद्रान रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर एक मालगाड़ी ने मेन लाइन को ऑक्यूपाई कर रखा है और स्टेशन साइड भीड़ है, तो मैं वहाँ पर उतर कर आपको बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि मोद्रान तक की जो जर्नी हुई है हमारी, उसमें लगभग हमारा 99% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। 1% जो है वो आप छोटे मोटे इंस्पेक्शन कह सकते हो जो बाकी है, या कहीं पर वायरिंग थोड़ी बाकी है, या फिर एक सब स्टेशन है जहाँ पर काम करना थोड़ा बाकी है, बाकी लगभग पूरा हो चुका है। तो ये हमारी अपडेट थी रानीवाड़ा से मोद्रान तक की। अब हम आगे बढ़ रहे हैं जालौर की तरफ। मारवाड़, बागरा, बाकरा रोड और जागनाथ जी होते हुए जाएंगे हम। और जैसा कि हमने कुछ महीने पहले सुना था कि मोद्रान से जालौर तक का इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, उसका CRS भी हो चुका है। तो हमने जो अपडेट दी है वो आपको दी है रानीवाड़ा से मोद्रान तक की, और मेरे को लगता है कि अब उसका काम भी कंप्लीट हो चुका है और इसका CRS भी जल्द हो जाएगा इसी तो दोस्तों हमने अभी तक की जर्नी की, उसमें हमने जाना कि रानीवाड़ा से मोद्रान के बीच में कितना इलेक्ट्रिफिकेशन काम हो गया है, और ये लगभग पूरा हो चुका है। 100% वर्क होने ही वाला है, थोड़े बहुत छोटे मोटे वर्क बाकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्च तक हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेनें देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है मार्च। और दोस्तों इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड या इलेक्ट्रिक ट्रेनों के बारे में कोई अपडेट अगर आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर बता दी जाएगी। तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारे जर्नी के लास्ट हॉल्ट पर हम आ चुके हैं जगन्नाथ जी, तो इसके बाद सीधा हम हेड करेंगे जालौर की तरफ। तो फाइनली हम आ चुके हैं जालौर रेलवे स्टेशन पर, और अब हमारी जो जर्नी है वो कंप्लीट हो चुकी है। जर्नी का मेन मकसद था आप लोगों तक इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट पहुंचाना रानीवाड़ा से मोद्रान तक का, और वो मैं आपको अच्छी तरीके से दे चुका हूँ। तो अब हम बस इस ट्रेन के डिपार्चर के साथ इस जर्नी को ख़त्म करते हैं, और आप लोगों से गुजारिश है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग वो है जो मेरे चैनल पर आते हैं, देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ ही में आप फ़िलहाल अभी इस ट्रेन के जालौर रेलवे स्टेशन से डिपार्चर को देखिए, फिर हम इस जर्नी को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you.
तो दोस्तों इस ट्रेन के डिपार्चर के साथ हम भी आपसे विदा लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी पर इंफॉर्मेटिव और खूबसूरत सी जर्नी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं इस जर्नी के बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू सो मच।